एवरीवन, इंग्लिश की क्लास में आपका सभी का स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेशन किसका? नरेशन का। जिस रूल रेगुलेशन जितने भी है हम कर चुके हैं डिस्कस तीन वीडियो में, तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर, नरेशन के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से देख सकते हैं। तीन वीडियो हमने रूल की बनाई थी, पहले में सिंपल की बनाई, दूसरे में नेगेटिव की बनाई, तीसरे में फिर नहीं इंटरोगेटिव की बनाई थी दूसरे में, और तीसरे में इंपेरेटिव और जो एक्सक्लेमेटरी है वो हमने डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे, 100 के करीब सेंटेंसेज की प्रैक्टिस करेंगे। तो सभी ने क्या करना है कि वीडियो को पॉज कर लेना है, जैसे पहला आंसर क्या बनेगा, फिर मैं जो भी आंसर दे रही हूँ आपने मैच कर लेना है कि आपका कितने सही हुए, वो कमेंट सेक्शन में आप लिख के भेजोगे कि आपके कितने सही हुए। सबसे पहले कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज, एक एक टाइप में अभी समझा दूंगी साथ के साथ। देखो इसमें कॉल द डॉक्टर, कॉल यानी वर्ब है, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, और जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं वो इंपेरेटिव होते हैं, ठीक है ना। उसमें हम सेंस समझनी होती है कि कमांड दे रखी है या हमें ऑर्डर दे रखा है, रिक्वेस्ट दे रखी है। इसमें ऑप्शन है, देखो आपको ऑप्शन मिलते हैं कई बार, तो ऑप्शन को आपने देख लेना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक करेक्ट हो रहा है। तो जज कमांडेड सभी में है, अब कमांडेड देम उनको, किसी को कमांड देगा, कॉल द विटनेस, विटनेस को बुलाओ। तो अब हमने देखा था कि जब भी वर्ब से स्टार्ट होते तो टू लगा के हम फर्स्ट फॉर्म वो सेम टू सेम हम कर देते थे, ठीक है ना। दैट लगाने की तो ज़रूरत नहीं थी, तो इसमें ये गलत हो जाएगा। और टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, तो हमारा सेकंड हमारा ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमें सेंस को समझ के ही बनाना होता है, ठीक है ना। अब देखो द क्वीन सैड टू हर सन, अब क्वीन ने अपने बेटे से कहा, अब क्या कहा, यू मस्ट, एक सेकेंड, यू जस्ट गो टू द फॉरेस्ट एंड रिमेन देयर टिल योर फादर कॉल्स यू बैक, ठीक है। अब क्वीन ने क्या किया है, ऑर्डर दिया है या टोल्ड किया है, तो आपने देख लेना है कि यहाँ पर सेंटेंस है जो वो सब्जेक्ट से स्टार्ट है, और जब भी सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो सिंपल वाक्य होते हैं, और सिंपल सेंटेंस में जब भी सिंपल सेंटेंस हो तो सेड टू को टोल्ड में बदला जाता है। तो यहाँ पर ऑर्डर है वैसे ही गलत हो गया, यहाँ पर अब तीनों सेंटेंस में टोल्ड है। अब देख लेते हैं आगे सेंटेंस क्या ठीक रहेगा। टोल्ड हर सन दैट, दैट भी ठीक है। यू किसके मुताबिक बदलेगा, हर सन के मुताबिक, तो ही सही है। यहाँ पर यू को चेंज नहीं किया तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखो कोमा हटाने के लिए दैट लगता है जब सब्जेक्ट से स्टार्ट हो, लेकिन यहाँ पर टू से कर दिया। टू कब होता है, जब मेन वर्ब से स्टार्ट हो, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस, तो ये भी गलत हो गया। आपका सेंटेंस कौन सा ठीक है, बी वाला ठीक है, ठीक है। अब थर्ड में आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और देखें कि कौन सा सही है। अब देखो आई सेड टू हर ऑल योर फॉल्ट्स विल बी पार्डन इफ यू कन्फेस देम, देखो अब इसमें ऑल योर फॉल्ट्स विल बी, यानी सब्जेक्ट है फिर वर्ब है, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब है फिर मेन वर्ब है। अब इसमें थर्ड में देख लेते हैं कि कौन सा ठीक है। अब सब्जेक्ट से स्टार्ट है तो सेट टू को इसमें चेंज करना है टोल्ड में, तो सेट टू का हमने टोल्ड बना दिया, तो सभी में टोल्ड है, ठीक है। फिर दैट भी सभी में है, ऑल हर फॉल्ट भी सभी में है। अब विल को किस में चेंज करते हैं, वुड में चेंज करते हैं। अब विल को इसने चेंज नहीं किया, पहला गलत हो गया, दूसरे में भी चेंज नहीं किया, अब तीसरे में चेंज कर दिया, तीसरे में नहीं चेंज किया, फोर्थ में चेंज कर रखा है, लेकिन यहाँ पर विल हैव कर रखा है। अब यहाँ पर विल बी है, पार्डन इफ सी कन्फेस्ड them, if सी, if you किसके मुताबिक, हर के मुताबिक, तो सी हो गया, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, सी वुड बी, ठीक है ना। तो सी वुड बी pardoned, हमने देखा था कि सेल को सूड में चेंज करना है, विल को वुड में चेंज करना है, और फिर थर्ड फॉर्म लगाने के लिए बी का यूज कर देना है, तो हमारा ये ठीक हो गया, बी हैव नहीं आएगा। अब फोर्थ में देख लेते हैं, फोर्थ में क्या होगा, when do you intended, अब क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन हम पूछते हैं तो ask या इंक्वायरी आएगा, अब इंक्वायरी कर रखी है तो इंक्वायर्ड ही आएगा, इंक्वायर्ड सीता, ही इंक्वायर्ड सीता, तो अब क्या होगा आपका, वैन डब्ल्यू एच फैमिली है, खुद ही खोल देगा कोमा, कोमा खुलते ही वैन से कोमा खुल गया, सब्जेक्ट को ढूंढना है। अब सब्जेक्ट क्या है, यू, यू किसके मुताबिक चेंज होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सीता है तो सी हो जाएगा। अब डू के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो सेकेंड फॉर्म बन जाएगी, यानी इंटेंडेड हो गया। इसमें भी सेम टू सेम है, पे बैक द मनी। अब यहाँ पर सी बोरोड, यू है, यू को सी बना देंगे हम ऑब्जेक्ट के मुताबिक, क्योंकि यहाँ पर भी यू था, तो ठीक है। अब सेकंड फॉर्म है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म, यहाँ पर हेड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब हमने रूल रेगुलेशन याद रखना है कि सेकंड फॉर्म है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म में बदलना है, ठीक है। अब देखो लेट्स गिव अ पार्टी सेड जया, जया ने कहा, लेट्स नोट सेड हर हस्बैंड, तो इसमें क्या बताना है आपको, करेक्ट सेंटेंस बताना है कि क्या होगा, तो वीडियो को पॉज करके देखें कौन सा होगा। तो जया सजेस्टेड गिविंग अ पार्टी, हाँ, बट हर हस्बैंड अपोज द आइडिया, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब ऐसे ही सिक्स को देखें, सिक्स में ये दोनों में से एक आंसर है, तो दोनों में से देखें कौन सा आंसर आपका करेक्ट है। तो ओल्ड मैन ऑफ लैटूर सेड
अलास, देखो अलास एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है, तो एक्सक्लेम विद, अलास है तो एक्सक्लेम विद सोरो, और हुर्रा है तो एक्सक्लेम विद जॉय। तो यहाँ पर अलास है तो सोरो हो गया, यानी ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट है। अब सेवन्थ देखें, सेवन्थ में कौन सा है, वीडियो को पॉज करके देखें कौन सा सही आएगा आपका। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा, देखो आपको आज में चेंज होगा, द गर्ल डिड से स्टार्ट है, यानी डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म है, यानी हेड प्लस थर्ड फॉर्म होगा। हेड प्लस थर्ड फॉर्म किस में है, इन दोनों में है। अब यहाँ पे देखो डिड से स्टार्ट है तो हेल्पिंग वर्ब, इफ से स्टार्ट होगा, ये दैट से शुरू कर रखा तो ये गलत हो गया, आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो आपने ये रूल रेगुलेशन याद करना है कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इफ़ या वेदर का यूज होता है। एट्थ में देखिए, एट्थ में क्या होगा, मैनी हैप्पी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द ऑफ योर बर्थडे वी सेड, हमने कहा कि मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे बोलते हैं ना, हैप्पी योर बर्थडे, तो हमने क्या किया, प्रे किया है, विश किया है उसको, तो विश होगा, सेड तो नहीं है आपका, ग्रीटिंग सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वी विश्ड हिम मैनी रिटर्न ऑफ हिज बर्थडे। देखो यूवर यानी उसको बर्थडे विश किया है ना, तो यूवर की जगह हिज हो जाएगा, क्योंकि यू का पोजेसिव क्या है, यूवर है, तो उसको बर्थडे विश किया है ना, तो ही का पोजेसिव क्या है, हिज है। अगर पोजेसिव केस है तो पोजेसिव बनाना है, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव बनाना है, और सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्ट बनाना है। यहाँ पर पोजेसिव था तो पोजेसिव बना दिया हमने। यहाँ पर जो केस होगा ना वही केस हम करेंगे सामने वाले का। अब डॉक्टर द पेशेंट क्राइड, पेशेंट ने क्राइड किया, क्या क्या डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाया ना, प्लीज़ टेल मी, अब प्लीज़ से स्टार्ट है तो आपको अंडरस्टूड है कि कौन सा सेंटेंस है। अब क्या होगा, प्लेडेड डॉक्टर हाउ मच, तो टेल हाउ मच टाइम आई हैव, मेरे पास कितना टाइम है ये बताएं, तो ये क्या हो जाएगा, द पेशेंट प्लेडेड विद डॉक्टर टू टेल हिम, देखो टेल से स्टार्ट है ना, प्लीज़ तो आपको इंडिकेट कर रखा है कि ये प्लेडेड कर रखा है, तो इसमें आपने टेल से है तो टू हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, टू टेल, यस सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। टेंथ में देखें, सो हेल्प मी हैवन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ही क्राइड आई नेवर स्टील अगेन, मैं दोबारा चोरी नहीं करूँगा, तो इसमें क्या होगा, अब टेंथ का आपने देख लेना है कि उसने कॉल ही क्राइड कॉल्ड अपॉन हेवन, ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इलेवेंथ देखिए, सी सेड आई विल गिव यू रुपीज़ 100 टू कीप योर माउथ शट, मैं तुम्हें अपने मुंह बंद रखने के कितने रुपए दूंगा, 100 रुपए दूंगा। अब इलेवंथ में आपका ऑप्शन देख लेते हैं, सी सेड दैट, हाँ तो विल है कि मैं आपको दूंगा, तो विल का क्या हो जाएगा, वुड, ठीक है ना, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विल को वुड में चेंज करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखें, वन ऑफ विंडो ऑफ माई फ्लैट आई कैन सी द कुतुब मीनार सेड माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड ने कहा, अब मेरे फ्रेंड ने कहा, ठीक है ना, क्या फ्रेंड ने क्या कहा कि अपनी खिड़की से मैं क्या देख सकता हूँ, एक खिड़की से तो कुतुब मीनार देख सकता हूँ, तो इसमें क्या होगा, माई फ्रेंड सेड फ्रॉम वन ऑफ हिज विंडो हिज फ्लैट, माई ऑब्जेक्टिव केस है, सब माई क्या है, पोजेसिव केस है। ठीक है, तो पोजेसन दिखाने के लिए हम पोजेसिव केस ही लेंगे, और माई क्योंकि आई माई मी फर्स्ट पर्सन है तो माई फ्रेंड के अनुसार बदलेगा, माई फ्रेंड क्या हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो ही का हिज हो जाएगा, तो हिज फ्लैट, तो ये आपका ऑप्शन इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माई फ्रेंड सेड दैट फ्रॉम हर वन ऑफ हिज विंडो ऑफ हिज फ्लैट ही कुड सी द कुतुब मीनार, कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। थर्टीन देखें, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट वाई वर यू एबसेंट यस्टरडे, कि तुम यस्टरडे एबसेंट क्यों हुए, तो टीचर ने क्वेश्चन पूछा है तो सेड टू का आस्ट हो जाएगा, यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली खुद ही खोल देंगे, यू स्टूडेंट के मुताबिक बदलेगा, ही हो जाएगा, अब वाज वर है तो हैड बीन हो जाएगा, और यस्टरडे प्रीवियस डे में बदल जाएगा, तो ऑप्शन आपका मैच कर लो कि कौन सा मैच हो रहा, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब इसमें देख लेना है, टीचर सेड टू अशोक आई सेल रिपोर्ट, अब इसमें देखो सेड टू, अब इसमें आई सेल है सब्जेक्ट से शुरू है तो टोल्ड हो जाएगा, रिपोर्ट सेल रिपोर्ट द मैटर टू द प्रिंसिपल इफ ही मिसबिहेव, अब मिसबिहेव है तो वार्निंग दे रखी है भाई, प्रिंसिपल को प्रिंसिपल को मैटर पहुंचाएगा तो वार्निंग है भाई, ये टोल्ड नहीं होगा, वार्निंग होगा। ठीक है, अब वार्न किया है टीचर ने, वार्न किया अशोक को, आई सेल रिपोर्ट टू द मैटर, प्रिंसिपल को रिपोर्ट कर दूंगा अगर तुमने दोबारा मिसबिहेव किया तो, अब टीचर ने क्या किया अशोक को वार्निंग दी है, टीचर धमकी नहीं दे सकता, देखो
वार्निंग ही आएगा, वार्न द अशोक, और क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, आई है, आई टीचर के मुताबिक बदलेगा तो टीचर के मुताबिक ही हो जाएगा, और ही के साथ वुड आता है, ठीक है ना, ही के साथ वुड आता है, यहाँ पे वुड भी लिख दिया तो गलत हो जाएगा, वुड ही आएगा, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो आपका ए ऑप्शन, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। फाई, फाई यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, बार बार ने क्या कहा है, सोल्जर एंड अफ्रेड ऑफ फाइटिंग, एक सोल्जर फाइटिंग से ही डरे, तो अब इसने फाई, फाई का मतलब होता है कर्स, एक तरह से क्या बोले, एक्सक्लेम सोल्जर शुड नॉट अफ्रेड ऑफ इज फाइटिंग, कुछ हमें सेंस से बनाने होते हैं, ठीक है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। द टीचर सेड टू द टीचर सेड टू राम, वुड यू लाइक टू गो ऑन आ ट्रिप टू कश्मीर, अब क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया तो आस्ट हो जाएगा, यहाँ पर वुड से स्टार्ट है तो इफ़ लगेगा या वेदर लगा सकते हैं, यू राम के मुताबिक बदलेगा तो ही हो जाएगा, अब वुड पहले से ही दे रखा है तो वुड का तो वुड ही रहेगा, आगे सेम टू सेम हो जाएगा, ठीक है, तो आपका रिप्लाई इन अफर्मेटिव, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 में एवरीबडी सैड हाउ वेल सी सिंग्स, तो एवरीबडी साइन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो एवरीबडी एक्सक्लेम्ड दैट सी सिंग है, तो सिंग है, हाउ सी सिंग, सी सैंग वेरी वेल, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म हो जाएगी आपका, ये आपका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन ठीक रहेगा, सी। अब 18 देख लेंगे, सपोज यूर चिल्ड्रन गो आउट फॉर अ नाइस लॉन्ग वॉक, सी सैड, सी सैड, सपोज, सपोज करो कि आपका बच्चा एक लंबे से लॉन्ग वॉक पे गया है, ठीक है, अब सपोज करना है तो क्या होगा, 18 में देख लेते हैं कि सी प्रपोज दैट हर चिल्ड्रन वेंट ऑफ द नाइस, हाँ ये ही ठीक हो जाएगा, पहला ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसने वैसे प्रपोज किया कि सपोज करो कि ऐसा हो जाए, ठीक है, सजेस्ट नहीं किया ना ही एडवाइस दी है। सी सैड वन इट गेट डार्क लाइट द लाइटन, लाइटन को लाइट कर दो, हैंग इट आउट, और उसको हैंग करके लटका दो, तो 19 का हमारा हो जाएगा सी सैड दैट वन इट गोट लाइट, हाँ गोट है, फर्स्ट फॉर्म है तो सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, लाइट द लाइटन एंड हंग, हैंग है तो हंग हो जाएगा, हंग इट, हंग हंग नहीं होगा, हंग इट आउट, इट हैज सेकेंड फॉर्म, थर्ड पर्सन नो चेंज होगा, तो लाइट द लैंटेन, लाइट तो यहाँ पर सजेशन दे रखा ना, तो उसको क्या करना चाहिए, सुड, सुड का यूज होगा, तो यहाँ पर सुड का यूज नहीं है, यहाँ पर भी ये हैंग, यहाँ पे चेंज ही नहीं की, यहाँ पे हंग, आपका ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। When it got light, he should light the mountain. Mountain lantern को light कर देना और hang कर देना उसको, first form. B option देख लेते हैं, do as you wish, but don't come and ask me to help, for help if you get into difficulties, he said to me. He said to me. अब कैसे change करना है इसको? He told me. टोल्ड मी तो ठीक है, टू डू एज एज, और उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, यू, यू किसके मुताबिक बदलेगा, ऑब्जेक्ट के मुताबिक, ऑब्जेक्ट क्या है मी, तो मी के मुताबिक सब्जेक्ट आई हो जाएगा, तो आई किस में है, आई सेकंड में है, तो इसमें तो आई वेस्ट, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मे यू लिव लॉन्ग एंड प्रोस्पेर, तुम लंबे जियो और उन्नति करो, सेड द ओल्ड लेडी टू हर सन, उसके सन को कहा, तो उसके सन को क्या किया, प्रे की है ना उसके सन के लिए, द ओल्ड लेडी प्रेड जोग एंड सेड ही माइट लिव लॉन्ग एंड प्रोस्पर, मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। सोक्रेट सेड वर्चू इज इट्स रिवार्ड, वर्चू इज इट्स ओन रिवार्ड, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई भी प्रोवर्ब हो कोई फ्रेज हो तो उसका टेंस हम चेंज नहीं करते, सिर्फ कोमा हटा के दैट लगा देते हैं, तो कोमा हटा के दैट किस में लगा रखा है, बी में, सी में लगा रखा है, ठीक है ना, हम सेम टू सेम कर देते हैं, अगर कोई प्रोवर्ब है कि वर्चू के अपना रिवार्ड होता है तो सेम टू सेम रख देते हैं, सिर्फ कोमा हटा के दैट लगाना होता है, अगर सैड टू है तो टोल्ड कर देते हैं, बाकी सेम टू सेम। सी सैड टू द इंटरव्यू, कुड यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन, अब इसमें पूछा गया कि क्या तुम
क्वेश्चन रिपीट कर दोगे इंटरव्यू से। कुड पोलाइट लैंग्वेज में आता है, मैं और भी ज़्यादा पोलाइट होता है, कुड भी हम पोलाइट लैंग्वेज के लिए यूज़ करते हैं। तो 23 में रिक्वेस्ट के रखी है, रिक्वेस्ट टू, तो अब कुड यू प्लीज़, इफ़ यू कुड प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन, तो इसमें जो आपका सही रहेगा वो सी रहेगा, ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यू टू रिपीट द क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन करने के लिए। अब रिक्वेस्टेड देखो प्लीज़ यहाँ पर रिक्वेस्ट में प्लीज़ आ गया, और दोबारा से प्लीज़ कहने की ज़रूरत नहीं है, अगर रिक्वेस्ट आ गया तो यहाँ पर दोबारा प्लीज़ प्लीज़ यूज़ कर रखा है, ठीक है ना, तो आपका सी ऑप्शन ही करेक्ट रहेगा। अब 24 देख लेते हैं, ही सैड इट यूज टू बी अ लवली वाइट स्ट्रीट। अब 24 में देख लेते हैं कि क्या होगा, ही सैड दैट, इट से स्टार्ट है, सब्जेक्ट से स्टार्ट है तो दैट आएगा, और इट क्योंकि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज है तो इट का इट ही आएगा, और यूज़ टू हो तो हमें चेंज नहीं करना होता, नीड होता, यूज़ टू होता, वुड रैदर होता है, ठीक है ना, हैड रैदर होता है, तो टेंस चेंज नहीं होता, तो हमने सिर्फ दैट लगाना और बाकी सेम टू सेम लिख देना। प्राइम मिनिस्टर सैड, अब ये पहले से ही इंटरोगेटिव इनडायरेक्ट स्पीच में दे रखा है, हमने डायरेक्ट बनाना है इसका। डायरेक्ट में क्या बनाना है कि नो वन वुड बी अलाउड टू डिस्टर्ब, यानी इसमें बात कैसी कह रखी है कि नो वन, मैंने प्राइम मिनिस्टर सैड वी शैल नॉट अलाउड एनी वन टू डिस्टर्ब प्लीज, हाँ ये ठीक है, पहला ही ठीक है। अब 26 का स्पेक्टेटर सैड ब्रेवो, ब्रेवो एक्सक्लेमेटर, वेल डन प्लेयर, प्लेयर ने बहुत अच्छा किया, स्पेक्टेटर ने कहा, तो स्पेक्टेटर ने क्या कहा, अपलाउड किया, प्रेज किया ना, ब्रेवो बहुत बहादुरी का काम किया है, तो अपलाउड द प्लेयर सेइंग दैट ही दे हैड डूइंग वेल, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 का क्या होगा आपका, 27 का देख लेते हैं, इन तीनों में से ही एक होगा, क्या होगा, आई सैड माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग लेट्स गो फॉर अ पिकनिक टुडे। अब पहले तो हम विश कर रहे हैं गुड मॉर्निंग उसको, ठीक है, फिर उसको कह रहे हैं कि प्रपोज कर रहे हैं कि चलो मॉर्निंग वॉक पे चलते हैं आज, ठीक है ना, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आई विश्ड माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड प्रपोज दैट सी वी वुड वी शुड गो फॉर अ नाइस मॉर्निंग टुडे, दैट डे में चेंज हो जाएगा। अब वीडियो को पॉज करके 28वां ठीक करके देखो कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट ठीक लग रहा है। द न्यू स्टूडेंट आस्क्ड द ओल्ड वन, अब आस्क्ड पहले से ही दे रखा है तो हमें चेंज नहीं करना है। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि डू यू नो माई नेम, क्या तुम मेरा नाम जानते हो। अब इफ़ आस्क्ड तो सेम टू सेम, इतना तो सेम टू सेम ही आ जाएगा। अब क्योंकि डू हेल्पिंग वर्ब है तो इफ़ से स्टार्ट होगा, तो इफ़ से स्टार्ट होगा तो डू के साथ फर्स्ट फॉर्म है, यानी अब थर्ड फॉर्म हो जाएगी, यू ओल्ड वन के मुताबिक ही हो जाएगा। अब ही के साथ नो की सेकंड फॉर्म लगा देंगे न्यू। अब 28 में कौन सा ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसी में ए है। अब 29 देख लेते हैं, 29 में क्या है, आई वॉन्ट हर दैट आई कुड नो लॉन्गर टोलरेट हर कमिंग लेट, कि मैं उसको टोलरेट नहीं कर सकता, मैंने वार्न दिया उसको, सेट टू हर, ये तो ठीक है। अब आई ने कहा है ना, तो इसमें क्या कैसे हम इसका डायरेक्ट स्पीच बना सकते हैं, तो आई, अब कुड चेंज होता है, कैन का कुड पास्ट बनता है तो कैन लगा देंगे, कैन नो लॉन्गर टोलरेट, टोलरेट यानी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, हर कमिंग लेट, हाँ तो आपका इसमें ही यू है, इसमें ही है, तो आपका क्या हो जाएगा, हर किस में चेंज होगा, हर इसके मुताबिक यूअर हो जाएगा, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 30 देख लेते हैं, 30 क्या होगा, आई सैड टू माई मदर आई विल सर्टेनली टेक यू टू बैंगलोर दिस वीक, दिस को दैट में चेंज कर देंगे, अब यहाँ विल को वुड में चेंज कर देंगे, ही आई है सब्जेक्ट के मुताबिक, आई है तो आई ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर भी आई है सब्जेक्ट भी, तो आई टोल्ड, सैड टू को टोल्ड बन जाएगा, ठीक है, तो आई टोल्ड माई मदर दैट आई वुड सर्टेन टेक हर यू क्योंकि मदर के मुताबिक है, यू हर के मुताबिक है, यानी सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है, ऑब्जेक्ट क्या है, माई मदर, ऑब्जेक्ट के मुताबिक माई मदर के अनुसार हर आ जाएगा, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 31 हाउ क्लेवर ऑफ यू टू हैव सोल्ड द पजल सो क्विकली, सेड द मदर, मदर ने कहा, अब एक्सक्लेमेटरी है कि तुमने कैसे पजल को सोल्व कर दिया, कितने क्लेवरली चेंज कर दिया, तो मदर क्या कर रही है, मदर एडमायर कर रही है, हमारी प्रशंसा कर रही है, ठीक है,
इसका आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा. मदर एक्सक्लेम एडमायरली दैट इट वॉज वेरी क्लेवर ऑफ हिम. यू किसके मुताबिक, ऑब्जेक्ट के मुताबिक, मदर मेरे से बात करी तो उससे बात करी तो हिम हो जाएगा, ठीक है ना. कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो हम ही को मान लेते हैं ऑब्जेक्ट, लेकिन कई बार आई को भी मानना पड़ता है अगर बात हमसे हो. सेंस देखनी आपने. ही सेड दैट ही वेंट फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग. अब ही सेड, ही किसके मुताबिक बदला है, सब्जेक्ट के मुताबिक, सब्जेक्ट ही है तो हम सब्जेक्ट कब बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, जब फर्स्ट पर्सन हो तो फर्स्ट पर्सन का आई हो जाएगा. अब वेंट क्योंकि सेकंड फॉर्म है तो हमें फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी डायरेक्ट में, तभी तो इनडायरेक्ट में सेकंड फॉर्म बनाएंगे. अब सेकंड फॉर्म है यहाँ पे वेंट है तो यहाँ पे गो हो जाएगा, यानी आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. अब थर्ड देख लेते हैं. आई रिट्रेटेड, आई डोंट केयर अबाउट द जॉब. आई डोंट केयर अबाउट द जॉब, इसमें दैट आई डोंट है तो डिड नॉट हो जाएगा, ठीक है. डू नॉट या डज नॉट को हम डिड नॉट में चेंज कर देते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट है. अब आगे 34 में क्या है कि माई ब्रदर्स, आई सेड टू माई ब्रदर लेट्स गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज. कुछ चेंज करने के लिए हिल स्टेशन चलते हैं, तो सजेशन दे रखी है ब्रदर से, हम सजेशन ही करेंगे. अब सजेस्ट कर रखा है टू माई ब्रदर, सजेस्टेड के साथ हमेशा टू आएगा. सजेस्ट ये नहीं है कि टोल्ड के साथ हम टू नहीं लगाते, तो सजेस्टेड के साथ हमेशा टू आएगा भाई, ठीक है ना. प्रपोज के साथ टू आएगा, तो ये सजेस्टेड टू माई ब्रदर लेट्स गो. तो अब क्या होगा, इसका चेंज करके देखो. लेट्स गो हम सजेस्ट कर रहे हैं तो सुड आना चाहिए, तो सुड अस किस में चेंज हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है तो इसका सब्जेक्ट बनाएंगे हम. आई के मुताबिक चेंज होगा तो आई का प्लूरल क्या होगा, बी होगा, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आई सुड, ठीक है. अब 35 का देख लेते हैं कि क्या होगा. 35 में आपका आई वंडर्ड हाउ मैनी डिस्कवरीज वेंट अफेल. आई वंडर हाउ मैनी डिस्कवरी हैव गॉन, नहीं ये तो नहीं होगा. तो आपका हाउ मैनी डिस्कवरीज गो, ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 35 का. 36 दे लेते हैं कि गोपाल सेड टू मी, गोपाल ने मुझसे कहा, क्या कहा गोपाल ने, गोपाल सेड टू मी कैन यू डू दिस सम फॉर मी. अब क्वेश्चन पूछ रखा है तो सेड टू को आस्ट में बदल देंगे या इफ लगा देंगे. यू किसके मुताबिक, आई के मुताबिक, मी के मुताबिक आई हो जाएगा, कैन का कोड हो जाएगा, और दीज का दोज हो जाता है, दिस का दैट हो जाता है, ठीक है ना. ये हमने कर लिया था तो आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है इसमें. मी क्योंकि फर्स्ट पर्सन है आई माई मी, तो सब्जेक्ट के मुताबिक सब्जेक्ट गोपाल है तो हिम हो गया, ठीक है. द बॉस सेड इट्स टाइम वी बिगेन प्लानिंग योर वर्क आवर वर्क, ठीक है. तो इसमें बॉस ने कहा है. अब इट थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं होगा. वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है तो सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा. अब चेंज कर लेते हैं 37 का क्या हो जाएगा. द बॉस सेड इट वॉज टाइम वी बॉस के मुताबिक, बॉस थर्ड पर्सन है, किसी का भी नाम हो थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होगा, क्योंकि वी प्लूरल है तो इसका भी हम प्लूरल केस ही रखेंगे. तो वी का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा. दे हैड बिगेन क्योंकि सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और देयर वर्क अवर क्योंकि वी अवर अस दे देयर देम, तो सब्जेक्ट के मुताबिक दे का देयर हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा. 38 में देख लेते हैं. ही सेड टू द जज आई डिड नॉट. अब ये सिंपल है लेकिन नेगेटिव है. सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, यहाँ पे दैट लगा देंगे. डिड नॉट है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म होगा, और हैड प्लस थर्ड फॉर्म किस में दिया हुआ है, आपके सी ऑप्शन में दिया हुआ है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है. दिस को दैट में बदल देंगे, ठीक है. नाउ को देन में बदल देंगे, ये हमने रूल कर लिए हैं. राहुल सेड, अब राहुल के मुताबिक ही हो जाएगा, और विल का वुड हो जाता है, और इट थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं होगा. नाउ देन में चेंज हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ये सारी बातें हैं. माई फादर वंस सेड मी, मेरे फादर ने एक बार मुझसे कहा, इफ़ आई कैन आई कॉन्ट ट्रस्ट माई पीपल देन आई डोंट वॉन्ट टू बी डूइंग दिस दैट में बदल जाएगा. माई फादर, मेरे फादर ने एक बार मुझसे कहा था. इफ तो सेम टू सेम रहेगा, आई फर्स्ट पर्सन के मुताबिक माई फादर के अनुसार ही हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, माई आई माई मी फर्स्ट पर्सन के मुताबिक माई फादर के अनुसार ही हो जाएगा, पीपल देन का देन ही रहेगा, डोंट है तो डिडंट हो जाएगा, अब डूइंग दिस है तो दैट हो जाएगा. अब ऐसी कौन सी फीचर्स किस में मिल रही है, तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. दोसी सेड टू हिज वाइफ प्लीज सेलेक्ट वन ऑफ दिस नेकलेस. अब इसमें देख लेते हैं कि आपका कौन सा होगा.
अब प्लीज़ आ गया तो रिक्वेस्ट कर रखी है, यानी रिक्वेस्ट तो दो ही में ही है, पहले में और लास्ट में। रिक्वेस्टेड हिज वाइफ, अब सेलेक्ट है, सेलेक्ट क्योंकि वर्ब है, वर्ब से स्टार्ट है तो टू से स्टार्ट होगा, टू वन ऑफ दोज नेकलेस, दीज दीज चेंज हो जाता है दोज में और दिस हो जाता है दैट में, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 42 देख लेते हैं, 42 में क्या है, ही रोट टू हिज रिपोर्ट, अब इन हिज रिपोर्ट ही रोट इन हिज रिपोर्ट द रेनफॉल हैज़ बीन स्कार्सली टिल नाउ, नाउ देन में चेंज होगा, यहाँ पे चेंज नहीं कर रखा, तो आगे 42 देख लेते हैं, 42 में क्या होगा आपका, 42 में आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रिपोर्टेड किया गया रेनफॉल हैड बीन, ठीक है ना, देखो वाज वर हैड बीन में चेंज हो गए और यहाँ पे हैज़ बीन है तो भी हैड बीन में चेंज हो गए, ठीक है ना। अब परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में दो ही केस जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होगा तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस बन जाएगा, या पास्ट कॉन्टीन्यूअस होगा तो वो भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस बन जाएगा, वो रूल मैंने आपको करवा दिए हैं, आपको देख लेना है उसमें। एक सेकेंड, ये क्या हो गया, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो हम 45 तक ही करेंगे आज, मेरे ख्याल से हम 43 पे आ गए थे, तो 43 का आपका ए ही ठीक हो जाएगा, और यहाँ आई एम गोइंग है तो वाज में हो जाएगा, वाज गोइंग हो जाएगा और नाउ देन में चेंज हो जाएगा, तो आपका 44 का ए ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेज है, देखो अगर सेड होता तो हम चेंज करते वाज में, लेकिन यहाँ पे सेज है और आपको मैंने सबसे पहले ही कहा था अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो टेंस चेंज नहीं होगा, हम कई बार रूल इतने रटे होते हैं कि देखा इज आर एम है तो वाज वर्ब में चेंज कर देते हैं, लेकिन हमें रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है, अगर ये प्रेजेंट में फ्यूचर में है तो टेंस चेंज नहीं होगा, आपका ए ही ठीक रहेगा। 45 लास्ट कर लेते हैं, सी सैड टू रीता प्लीज़ है तो रिक्वेस्ट कर रखी है भाई, रिक्वेस्ट कर रखी है, यहाँ पे हेल्प से स्टार्ट है तो टू से आपका खुलेगा इन्वर्टेड, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।